ट्वेंटी का तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन आज से शुरू होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह सीएम गहलोत शिरकत करेंगे। सी20 का तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन आज से शुरू होगा। जयपुर में दुनिया भर के एक्टिविस्ट और राजदूतों का लगेगा जमावड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम गहलोत भी शामिल होंगे। जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज जयपुर आएंगे जेपी नड्डा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर दौरा रहने वाला है। आज सुबह 10 बजे जयपुर जेपी नड्डा पहुंचेंगे। आज दिन भर प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर चलेगा। शाम 7 बजे तक पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। बीजेपी का मिशन राजस्थान। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर आएंगे। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, राजस्थान में आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव है और बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीकर दौरे पर थे। अब जेपी नड्डा का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संगठनात्मक बैठकों का दौर आज पूरे दिन देखने को मिलेगा। तो देखिए, दिन भर अलग अलग चरणों में संगठनात्मक बैठक लेंगे। इस दौरान प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और प्रदेश चुनाव सह प्रभारी नितिन पटेल भी मौजूद रहेंगे। तो कोटि प्रदेश पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन होगा। आगामी कार्यक्रम, चुनावी कैंपेन, परिवर्तन यात्राओं पर भी चर्चा हो सकती है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने पर चर्चा हो सकती है। तो बैठक के बाद चुनाव संबंधी कमेटियों की घोषणा भी हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए, आने वाले दिनों में चुनाव है राजस्थान में। बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर उनका दौरा रहने वाला है। जेपी नड्डा का क्या जानकारी? देखिए, ये जो दौरा बना है जेपी नड्डा का, वो अचानक दौरा बना है और इस दौरे के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण जो है वो मंथन इस बैठक में जो है वो होगा आज दिन भर, क्योंकि जेपी नड्डा जो है वो करीब 10:15 बजे जयपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद मोती डूंगरी गणेश मंदिर जाने के बाद सीधे प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और प्रदेश कार्यालय में शाम 7 बजे तक लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी रहेगा। इस दौरान प्रदेश की जो पदाधिकारी है, कोर टीम के जो सदस्य है और वरिष्ठ नेता है, उनके साथ जो है वो चर्चा आज जेपी नड्डा करेंगे। लेकिन आगामी किस प्रकार के बीजेपी को कार्यक्रम बनाने, चुनावी कैंपेन बीजेपी का किस प्रकार से रहेगा, जो गुटबाजी बीजेपी में देखने को मिलती है, गुटबाजी को किस प्रकार से शांत किया जाए, आने जो सितंबर के महीने में परिवर्तन यात्राएं निकाली हैं, वो किसके नेतृत्व में? बिल्कुल सौरभ, देखिए, आज सुबह 10 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और देखना होगा कि आज किन किन मुद्दों को लेकर के चर्चा होती है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी शुक्रवार रात को जयपुर पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होने वाली बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजस्थान इकाई के आगे की प्लानिंग के लिए बैठक होगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जनता में कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। राजस्थान में 2/3 बहुमत से बीजेपी जीत कर आएगी। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के इकाई, हमारा आगे का कार्यक्रम और बाकी प्लानिंग वगैरह के लिए बहुत सारे ढेर सारे मीटिंग है, उसके लिए मैं आज एडवांस में आया हूं। और जैसे मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जो भी कारनामे किया है और उनके स्वयं मंत्री कह रहे लाल डेयरी के बारे में, तो इनका लोगों का पूरा विश्वास उन लोगों ने खो लिया है। विश्वसनीयता खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुन के आई।
चुनाव में कितनी अहम साबित होगी सर लाल डायरी? नहीं नहीं, लाल डायरी ये जो भी कारनामे साढ़े चार बरस से उन्होंने किया है। तो मुहर्रम पर हर साल राजधानी जयपुर में ताजियों का जुलूस निकाला जाता है। जयपुर में पिछले 250 साल से ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ के ताजिए बेहद खूबसूरत होते हैं, जिन्हें 8 से 10 महीने की मेहनत के बाद तैयार किया जाता है। इमाम हुसैन की याद में ये ताजिए निकाले जाते हैं और मुहर्रम के दिन राजधानी में ताजिए इमाम बाड़ों से जियारत के लिए बाहर रखा जाता है। इमाम हुसैन का मकसद ये था कि मुआशरे की इस्लाह हो, अमर में मारूफ हो, नहीं अज मुनकर हो और मुआशरे में इंसानियत फैलाई जा सके। आप देखें, करबला का एक दूसरा नाम अगर दिया जाए तो करबला इंसानियत का नाम है। मुहर्रम पर जयपुर में बहुत ही खास ताजिए बनाए जाते हैं। यहाँ पर कमोबेश 300 से 350 ताजिए बनकर तैयार होते हैं और हर साल मुहर्रम पर इनका बाकायदा जुलूस निकाला जाता है और मातमी धुन भी बजाई जाती है। तकरीबन 8 से 10 महीने की बहुत कड़ी मेहनत के बाद ये खूबसूरत ताजिए बनकर तैयार होते हैं। इनमें बहुत ही बारीकी से काम किया जाता है, इनकी खूबसूरती का, इनके डिज़ाइन का खास ख्याल रखा जाता है। ये वो उस्ताद हैं जो लगातार 8 से 10 महीने यहाँ बैठ कर के मशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चों को ये काम सिखाते भी हैं ताकि वो आगे इस सिलसिले को जारी रखें। ये काम ऐसे आगे बढ़ता रहता है और ये ताजिए लगभग हर मोहल्ले से जयपुर से निकलते हैं और निकल करके इनका चार दीवारी में बाकायदा प्रदर्शन किया जाता है। बेहतरीन जो ताजिए होते हैं उन्हें इनाम भी दिया जाता है और उसके बाद में शाम को इन्हें करबला के मैदान में पहुँच करके सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। तो मुहर्रम का महीना जारी है। इस महीने में दुनिया भर में हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है। जयपुर का भी हजरत इमाम हुसैन से खास जुड़ाव है। हल्दियों के रास्ते के ऊंचा कुआ स्थित सलीम मंजिल में 1876 से हजरत इमाम हुसैन की कुला ए मुबारक यानी इमाम हुसैन की टोपी मौजूद है। शुक्रवार से हजरत इमाम हुसैन की टोपी की जियारत शुरू हुई। खास बात ये कि जियारत साल में केवल एक बार मुहर्रम के मौके पर ही होती है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत को पूरी दुनिया में याद किया जा रहा है, लेकिन जयपुर का हजरत इमाम हुसैन से एक ऐसा जुड़ाव है जो शायद किसी और का ना हो। आप देख सकते हैं कि एक निशानी जो खुद हजरत इमाम हुसैन की है वो है ये कुलाहे मुबारक, जिसे टोपी भी कहा जाता है। कमोबेश साल 1876 में इसे जयपुर लाया गया था और अफगानिस्तान के बादशाह ने जयपुर की सलीम मंजिल के जो मशहूर हकीम थे उनको ये गिफ्ट की थी, क्योंकि उन्होंने शहजादे का बहुत अच्छा इलाज किया था। तब से लेकर के आज तक कई साल बीत चुके हैं, लेकिन इस मंजिल में इस खास टोपी की ज़ियारत का सिलसिला नहीं थमा। इस टोपी को किस तरह से हर साल जो मुहर्रम की 10 तारीख को लोगों की ज़ियारत के लिए रखा जाता है, क्या क्या किया जाता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा मिलाद शरीफ का आयोजन किया गया है। ख़ास तौर पर यहाँ पर मरसिए पढ़े जा रहे हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, तबरुकात बांटे जा रहे हैं, इनको लेकर बातचीत करते हैं। कब से आप ये लोग जो है सिलसिला चला रहे हैं, उसका क्या महत्व है? ये साहब का तकरीबन 201 साल से हमारी यहाँ है और जो मरहूम मामा मेरे वालिद साहब थे नसीमुद्दीन खां प्यारे मियाँ, ये जब से चीज़ चलती हुई आ रही है दादा परदादाओं से। मेरे दादा जो थे हकीम सलीम उद्दीन खां, उनके नाना को ये अफगानिस्तान के बादशाह ने तबरुकात दिए थे। ये जो कुलाए मुबारक है ये 1876 में, जैसे आपने जिक्र किया, जब वहाँ के बादशाह के बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो हमारे जो बड़े थे उन्होंने उनका इलाज किया और उसके बाद उन्हें ये भेंट मिली। क्योंकि हिंदुस्तान से बहुत पुराना रिश्ता इमाम हुसैन का रहा है और इसी के साथ लेके आज जैसे बड़े बड़े लोगों ने, जैसे क्या कहा जाता है, गुरु नानक देव जो थे उन्होंने अपने खादिम से कहा था कि तुम मुहर्रम का गम मनाया करो, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं तो क्या कहते हैं आपका गुलाम हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम मुहर्रम का गम मनाओ, क्योंकि जिनका ज़मीर जिंदा है उनके रहनुमा हुसैन हैं। और अब बात राजसमंद की, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने अपने विधानसभा क्षेत्र राजसमंद जिले के रेल मगरा में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव और उदयलाल अंजना मौजूद रहे। पंद्रह सोलह साल से इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, जो इनके अंदर क्वालिटी है, जो इनके अंदर भाव है, प्रदेश को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपने जिले को क्या चीजें हम
मुहैया करा सकते हैं आगे आने वाले समय में, क्या हमारी जरूरत है। बहुत छोटे सा उदाहरण देता हूं मैं, 98 में शिक्षा मंत्री बने, अकाल पड़ा, 30,000 राजीव गांधी पाठशाला खोलने वाला सीपी जोशी का। देरी के प्रोग्राम में पिछले दिनों आया था, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इन्होंने अलग से देरी संघ की स्थापना की, थिएटर फील्ड के प्लान के बारे में सोच रखी, उसको आगे बढ़ाया। आज ये जो कॉलेज हमने यहाँ उद्घाटन किया है, शिक्षा मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं, और अभी अभी जो घोषणा मैंने देखी, मैं आश्चर्यचकित रह गया कि हम बचपन के अंदर डिफेंस के बारे में ये सोचते थे कि चित्तौड़ के अंदर डिफेंस स्कूल है, वहां नौजवान पीढ़ी पढ़ती है, वहां से कर्नल और जनरल बनते हैं। राजस्थान में डिफेंस सर्विस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट खोल रही है, मतलब वो बच्चे जो बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट खोल रही है, संस्था खोल रही है। अलवर में शुक्रवार शाम हुई तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी जमा हो गया। करीब एक घंटे तक शहर की सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और जाम के हालात पैदा हो गए, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो अजमेर शहर में आज झमाझम बारिश देखने को मिली। इस बारिश के चलते कई जगह जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई, सड़कें गलियां बनी हुई नजर, तो वहीं कई स्थानों पर लोगों तो देखिए तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर यह देखा गया कि लगातार बारिश का दौर है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। चंबल नदी उफान पर आ गई है। बीते दो दिनों से कोटा और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है, और ऐसे में चंबल के कैचमेंट एरिया में बारिश होने से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है, और इसी के साथ कोटा बैराज से पानी की निकासी भी शुरू कर दी गई है। कोटा बैराज के साथ गेट खोल दिए गए हैं और करीब 74,000 क्यूसेक पानी की निकासी कोटा बैराज से की जा रही है। तो वही अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जोधपुर में मौसम का मिजाज बदला है। आपको बता दें कि वहां पर बारिश हुई है, बरसात से मौसम का मिजाज बदला है। शहर के भीतरी क्षेत्र में पानी सड़कों पर बहा है, ग्रामीण इलाकों में अच्छी बरसात हुई है। चलिए फिलहाल इस